ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਇੰਡਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦੋਂ ਰਹੇਗੀ ਮੈਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਵਿਤਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੀ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਹਮ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਸਵਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਸੋ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਮਈ 2020, ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਕਾਲਜਿਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਓਪਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੋ ਫਾਲ 2022 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਤੰਬਰ 2022 ਕੇ ਲੀਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਯੇ ਕਨਵੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ सितंबर 2022 के लिए अपने एडमिशन्स को प्रोसेस करो, क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं, इनफैक्ट द स्टूडेंट इज़ ऑल्सो अवेयर कि बहुत ज़्यादा रश है कैनेडा के लिए, कीपिंग इन माइंड कि जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स रहे हैं पिछले साल में, इसके अलावा जो डेफर्ड वाले एप्लीकेशन्स हैं या नए स्टूडेंट्स जो हैं, उन सभी को अब अपनी एप्लीकेशन सितंबर 2022 के लिए प्रोसेस करनी है। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल द कॉलेजेस इन ऑल द प्रोविंसेस आर ओपन, सभी प्रोविंसेस में सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सितंबर के लिए ओपन हो चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मैं ये कहूँगी, लेकिन इक्वली जो प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है वो सितंबर 2022 के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपके टारगेट एरियाज हैं, जो टारगेट प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप प्लान करते हैं कि इस एरिया में ये कॉलेज हम लोगों को टारगेट करना है, उसके लिए इमीडिएटली एप्लीकेशन जो है वो ऑफर लेटर के लिए प्रोसेस की जानी चाहिए। थोड़ा सा आइडिया मैं ये दूँ, हम जनरल लेवल पे ये चीज़ देखते हैं कविता, कि जो नॉन मेडिकल वाला जो स्टूडेंट है या फिर जो मेडिकल स्ट्रीम वाला ग्रेड 12 का जो स्टूडेंट है, इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी फुल हो जाते हैं। एक नॉन मेडिकल वाला जो स्टूडेंट है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बो है, ऐसा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में कंप्यूटर्स एंड आईटी प्रोग्राम्स लेता है, ना कि वो मैकेनिकल और केमिकल जैसे प्रोग्राम्स को टारगेट करता है। सो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए मेरा बहुत बड़ा ये मैसेज है कि अगर आपका प्लान है, आपने अपनी एजुकेशन कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में या फिर आईटी रिलेटेड प्रोग्राम्स में प्रोसेस करनी है, तो आपको इमीडिएटली अपना ऑफर लेटर प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये बहुत जल्दी फुल होती हैं। इनफैक्ट हम लोगों को कॉलेजेस की तरफ से इन प्रोग्राम्स के जो है वो अलर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि सीट्स जो है वो ऑलमोस्ट फुल हैं या वेट लिस्टेड हैं। एडिशनली जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जिन लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ग्रेड 12 पे, बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज उन लोगों के लिए कैनेडा में रहते हैं, क्योंकि मैथ्स ना होने की वजह से वो नर्सिंग डेंटिस्ट्री जैसे प्रोग्राम्स को टारगेट नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स नॉर्मल लेवल पे हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, सोशल सर्विस वर्कर, इस तरीके के कोर्सेज के लिए स्टूडेंट अपनी एजुकेशन प्लान करता है, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट। सो ये वाले जो कोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है फुल हो जाते हैं। सो टुडे आई वांट टू मैसेज दीज टू स्ट्रीम्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे, जितना जल्दी हो सकता है अपने ऑफर लेटर्स को प्रोसेस कीजिए अपने चॉइस के एरियाज में। ऑल्सो आई हैव टू ऐड कि टाइम पे ऑफर लेटर लेके रखना बहुत बेनिफिशियल बात है। जब आप ऑफर लेटर ले लेते हो उसके बाद भी आपको जो फीस है उसको डिपॉजिट करवाने में महीना डेढ़ महीने का नॉर्मल टाइम होता है। सो आपको सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन फी पेमेंट तक का टाइम आपको मिलता है। और इसके साथ साथ मुझे कुछ अलर्ट्स जो है वो मई 2022 के लिए भी ज़रूर देने हैं।
मई 2022 में भी अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल हैं. अगर आप अपनी चॉइस को छोड़ सकते हैं और अगर आप डिफरेंट प्रोविंसेस को टारगेट कर सकते हैं, तो मई 2022 में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में. आई वुड एलैबोरेटेड कि मई 2022 के जो ऑप्शंस हैं वो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम्स हैं मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए. इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी लंबी चौड़ी जो लिस्ट है, टू ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नाबू, जो बहुत सारे जितने भी सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो नाबू प्रोग्राम कैपिलानो यूनिवर्सिटी में अभी भी ओपन है मई इनटेक के लिए. 6.56 नीच के साथ आप अपना एडमिशन डाल सकते हैं. सो आप कैपिलानो के लिए अपना एडमिशन प्लान कर सकते हैं. इसके अलावा सितंबर 2022 के लिए एक दो अलर्ट्स मुझे ज़रूर देने हैं. अलेक्जेंडर कॉलेज ने अपने एडमिशन सितंबर 2022 के लिए ओपन किए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ब्रिटिश कोलंबिया में अलेक्जेंडर कॉलेज के लिए एप्लीकेशन प्लान करना चाहते हैं. दिस टाइम दे आर टेकिंग एडमिशन्स विद 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल. सो आप 6 इन ईच के साथ एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के साथ आप जनरल एसोसिएट ऑफ आर्ट्स साइंस नॉन मेडिकल ले सकते हैं. इसके अलावा आप बायोलॉजी के साथ, इंग्लिश के साथ, ज्योग्राफी के साथ इन प्रोग्राम्स में स्पेशलाइजेशंस को ऐड कर सकते हो. कंप्यूटर एंड बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स आर स्टिल ओपन एंड इसके लिए भी आप अपने एडमिशन जितना जल्दी है वो आप हमें अप्रोच कीजिए, टाइमली अपना सीट सिक्योर कीजिए. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कम फीस वाले कॉलेजेस के बारे में जो है वो हमें ज़रूर बताया जाए. सो ऑलरेडी ब्रिटिश कोलंबिया के सभी जो कॉलेजेस हैं वो सितंबर 2022 के लिए ओपन हैं. सेलक्रिक कॉलेज इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जो बहुत कम फीस के साथ आपको अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर करता है. सो सेलक्रिक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बिजनेस प्रोग्राम्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बिजनेस प्रोग्राम्स डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ अभी भी ओपन हैं. कम फीस के साथ आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो. नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज इज आल्सो वन ऑफ द कॉलेजेस इन ब्रिटिश कोलंबिया जिसकी फीस लोएस्ट हम कंसीडर करते हैं, 11,500 इस तरीके से एनुअल फीस स्टूडेंट की जो है वो स्टैंड करती है. सो नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में भी इस टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स आईटी की स्पेशलाइजेशन के साथ या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशलाइजेशन के साथ अवेलेबल हैं. सो इसको टारगेट किया जा सकता है. इसके अलावा थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को जरूर बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना सस्केचवन में जो अवेलेबल है जी, बहुत ही प्रेस्टिजियस डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना के एडमिशंस अभी भी मई 2022 के लिए ओपन हैं. साथ के साथ एडमिशंस जो हैं वो सितंबर 2022 के लिए ओपन किए जा चुके हैं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना बहुत सारे एक साल के सर्टिफिकेट स्पेशलाइज प्रोग्राम्स ओपन करता है. सो उस केस में आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंटरनेशनली ट्रेंड टीचर जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो इस कोर्स को टारगेट कर सकते हैं. मास कम्युनिकेशन जैसे प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशंस हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं. एक और अनाउंसमेंट मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना के लिए ज़रूर करना चाहती हूँ. बीएड कैंडिडेट्स जो हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन के डिग्रीज किए हुए हैं, चाहे वो आर्ट्स के साथ हैं, बीए बीएड हो आप या बीएससी बीएड हो, बीएड कैंडिडेट्स के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में बहुत ही एक बेनिफिशियल प्रोग्राम है. बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो. और सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट इस डिग्री का मास्टर ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना का ये है कि दे आर जस्ट ऑफरिंग यू द ट्यूशन फीस ऑफ $8,200 पर एनम. सो उनके एक साल की जो फीस है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में. सो इस चीज़ का मुझे लगता है कि मार्केट में काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है. बहुत सारे बी एड स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए स्ट्रगल करते हैं. सो आप अपना जो फर्दर एजुकेशन है, फ्यूचर एजुकेशन है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए जरूर प्लान कर सकते हैं. यू काइंडली कम टू अस एंड टॉक टू अस पर्सनली ताकि ये प्रोग्राम के जो डिटेल्स हैं, जो एडमिशन के लिए जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताए जा सके. मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगी कि जब भी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशंस डालते हैं, अदर देन योर पासपोर्ट आइल्स एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका रिज्यूमे या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ इंटेंट्स जो है वो कॉल किए जाते हैं. सो वी एट मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज वी आर हेल्पिंग यू आउट विद दीज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. हम आपको खुद गाइड करते हैं
आपको जो भी सैंपल्स हैं, जो भी फॉर्मेट्स हैं, वो दिए जाते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करना इजी रहे स्टूडेंट के लिए. जी, सो ऐड ऑन कुछ और भी करेंगे. द थिंग इज अभी तक टाइम बहुत लिमिटेड रहता है शो का, और हम लोगों की कोशिश होती है कि मैक्सिमम अलर्ट जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल. सो लिस्ट इज एंडलेस. सो अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज करूंगी कि आप हम लोगों को हमारे मोहाली ऑफिस में या फिर हमारे खन्ना ऑफिस में पर्सनली आके मिल सकते हैं. इट्स अ फ्री ऑफ काउंसलिंग एंड फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग. आप अपने कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ ताकि आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो दिए जा सकें. अदरवाइज जो हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इट हैज़ व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑल्सो, दिस इज वर्किंग थ्रू आउट द वीक. एनी टाइम आप कॉल करके जो है वो अपनी असेसमेंट ले सकते हैं. एंड आई ऑलवेज यू नो वॉन्ट टू ओपिनियन द स्टूडेंट्स कि आपको अपना जो मेंटोर है, आपका जो कंसल्टेंट है, वो बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए ताकि आपकी जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है वो बहुत सही तरीके से फॉर्मेट हो और सही फॉर्मेट में कंपाइल की जाए ताकि आपके वीजा के जो चांसेस हैं वो बहुत फेयर रहें. जी, अच्छा, रिजेक्शन वाले जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने किद्दां देखदे हो तुसीं, जिन्हां दी दो वारी भी अगर वीजा रिजेक्ट हो गए, थर्ड टाइम लैना चाहीदा अटैम्प्ट हुण करन कैनेडा दे विच, या फिर क्योंकि हुण आस्ट्रेलिया बहुत सोहनी ऑप्शन आ गई है उन्हां कोल? देखिए कविता, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कैनेडा के अलावा स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि सभी कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शंस दे रखी थी. बट इस साल 2022 जो है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ओपन हुआ है और वी हैव सीन कि यूके ने भी अपने बॉर्डर्स ओपन किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए किए हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताऊँ कि जो स्टूडेंट्स अपने प्रोफाइल में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हैं, नॉन एसटीएस प्रोफाइल्स हैं, जो स्टूडेंट्स आइल्स एसटीएस फॉर्मेट में क्रैक नहीं कर पाए हैं, या ऐसे बच्चे जिन लोगों के 2-3-4 बार भी रेफ्यूजल्स हैं कनाडा से और आप अपने प्रोफाइल को एलेबरेट नहीं कर पा रहे, सो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर से कनाडा प्लान नहीं करना चाहिए और अपना प्रोफाइल ख़राब नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट आप अपनी एजुकेशन को ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने अच्छे जो ऑफर्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं. द मेन इम्पॉर्टेंट यू नो ऑप्शन गिवन टू यू इज़ कि आप अनलिमिटेड आवर्स के लिए वहाँ पे काम कर सकते हो. ये सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए है. बट देर इज़ अ कंडीशन कि आपको अपनी एजुकेशन में कंटिन्यूड रहना है और आपको अपने डिप्लोमास, प्रोग्राम, डिग्रीज जो भी आपने लिए हैं आपने उसको पास करना है. सो अपनी एजुकेशन को मेंटेन करते हुए आप अनलिमिटेड आवर्स के लिए वहाँ पे काम कर सकते हो. दिस इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग, जिन भी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा उन स्टूडेंट्स की जो वीज़ा एप्लीकेशन फीस है, एम्बेसी फीस जिसको कहते हैं, वो रिफंड होगी. दिस इज़ अनदर थिंग. थर्ड थिंग इज़ कविता की जो नॉर्मल उनके जो वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ईयर्स थे उसमें भी जो है वो एडिशंस किए गए हैं. सो रीजनल एरियाज और मेन एरियाज में दोनों जगह पे जो है वो काफ़ी एडवांटेज ऐड किया गया है. नाउ यू कैन हैव 3 years, 4 years, even 5 years, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एडेड आफ्टर योर एजुकेशन. सो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे लगता है कि आज की डेट में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. पीआर पॉसिबिलिटीज भी डेफिनेटली बनेंगी क्योंकि अगर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन प्लान करते हैं, वी हैव सीन कविता की बहुत सारे जो हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेवल ए यूनिवर्सिटीज़ है, लेवल टू, और वी ऑलवेज रिकमेंड कि स्टूडेंट्स की जो एडमिशन है वो लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जा सके ताकि आप अगर सिंगल हैं या मैरिड हैं आपकी वीज़ा चांसेस बनने चाहिए. सेकंड थिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो डिग्री लेवल पे प्लान होती है. सो यू कैन हैव, अगर आप ग्रेड 12 स्टूडेंट हैं, आप बैचलर लेवल डिग्रीज के लिए जा सकते हैं, 3 years, 4 years का ड्यूरेशन है. मास्टर लेवल डिग्रीज के लिए जा सकते हैं, 2 years, 1.5 years, इस तरीके से ड्यूरेशंस हैं. सो इस चीज़ का एडवांटेज आप जरूर ले सकते हैं. सो जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं या इवन फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनका आइल्स क्रैक कनाडा के हिसाब से नहीं हो पा रहा, वो स्टूडेंट्स जरूर इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को प्लान करें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचें. यू कैन कम टू अस, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑप्शंस हैं आपके लिए डिफरेंट डिग्रीज के प्रोग्राम्स के, वो आपको केयरफुली बताया जा सके. जी, सो मैडम शिवानी ने सारा कैनेडा कोर्स ग्रेजुएट माइक्रो ग्लोबल तो फिलहाल देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम नंबर के उत्ते कॉल जरूर कराया करना जी सारे दर्शक सारे विद्यार्थी. कैनेडा के नाल ना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा दी ऑप्शंस अज थोड़े कोल टे सारियां हैगियां ने, सिर्फ ते सिर्फ समझन दी या अप्लाई करन दी देरी कितना कितने सारे स्टूडेंट सारे दर्शकों के विच, क्योंकि हुण अच्छा 12वीं दे एग्जाम हुण होने भी है, स्टूडेंट्स ने देने भी है, उन्होंने वास्ते लगता भी सीट मिल जाएगी सितंबर इनटेक नूं ग्रैब कर पाएंगे?
देखिए कविता, जो परसुइंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर तो ऐसे बच्चे आईएलटीएस अपना जो है वो रेडीली अवेलेबल रखेंगे तो समहाउ सितंबर का ड्रीम लिया जा सकता है. अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो ग्रेड 12 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनवरी 2023 ही कन्वीनियंट रहेगा. अच्छा. क्योंकि मई में वी हैव सीन कि मई के महीने में रिजल्ट आता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो सितंबर के लिए रहते हैं, रादर प्रोसेसिंग टाइम बहुत लिमिटेड रह जाता है. सो मेरा हमेशा एडवाइस ये रहता है स्टूडेंट्स को कि वी शुड हैव इनफ टाइम टू प्रोसेस योर ऑफर लेटर्स, वी शुड हैव इनफ टाइम टू प्रोसेस योर वीजा एप्लीकेशन. हम लोगों को हाई कमीशन को भी सफिशिएंट टाइम देना चाहिए आज की प्रोसीजर्स और जो भी प्रोसेसिंग टाइम्स है उनको देखते हुए. सो रश में एप्लीकेशन जो है वो प्लान नहीं करना चाहिए. सो मेरा यही एडवाइस है कि आप अगर परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप जनवरी 2023 प्लान करें. सो अदरवाइज वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिस टाइम काविता. इस साल कॉनेस्टोगा कॉलेज जो ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उन लोगों ने कंडीशनल ऑफर लेटर्स भी अनाउंस किए हैं. सो जो ग्रेड 12 परसुइंग स्टूडेंट्स हैं जिनका आईएलटीएस डन है, जो आईएलटीएस प्लान कर रहे हैं, ऐसे बच्चे अपने एडमिट कार्ड्स डिपॉजिट करके अपनी एप्लीकेशन के साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर्स भी जो है वो लेके रख सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड. सो अगर आप ग्रेड 12 के एग्जाम्स दे रहे हो, आईएलटीएस भी आपने साथ के साथ प्लान कर लिया है, तो आप अपने एडमिट कार्ड्स के साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज में अपना सीट सिक्योर कीजिए और जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा आप सितंबर 2022 के लिए अपना वीजा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं. दिस इज अ बिग एडवांटेज मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए. और इसके साथ साथ हम अलर्ट्स की बात कर रहे थे तो मैं जरूर कह दूं कविता, अल्बर्टा बहुत ही डिमांडिंग जो है वो प्रोविंस रहा है स्टूडेंट्स के लिए. पीआर पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है. सो अल्बर्टा के कॉलेजेस भी इस टाइम पे आपसे ओपनली एडमिशन्स जो है वो इनवाइट कर रहे हैं. बो वैली कॉलेज को पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, तो बो वैली कॉलेज के एडमिशन सितंबर 2022 के लिए ओपन है. और दिस इज़ अ कॉलेज विच हैज़ अ टॉप रैंकिंग इन ओवरऑल कैनेडा. सो इस कॉलेज में यू कैन हैव मैनी अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स. सो आप जितना जल्दी हो सकता है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए. वी हैव प्रोग्राम्स ओपन लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, डाटा मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिस, इवन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ओपन. सेम वे नॉर्थवेस्ट कॉलेज इज ऑल्सो देयर, जिसके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट लेवल पर ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, आप जरूर ऑप्ट कर सकते हैं. एंड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, एजुकेशनल असिस्टेंट, एजुकेशन असिस्टेंट का जो प्रोग्राम है अगेन बीएड कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जो है वो अच्छा प्रोग्राम है, जरूर इसको टारगेट किया जा सकता है. एनर्जी मैनेजमेंट एंड सोशल वर्क जैसे प्रोग्राम्स नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में भी ओपन है. ओल्ड्स कॉलेज इज देयर, नैट कॉलेज इज देयर, सेट कॉलेज इज देयर. सो एक लंबी चौड़ी लिस्ट अल्बर्टा में भी अवेलेबल है. सो सिंपल ओपिनियन है इस कविता कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको आगे अप्रोच करना पड़ेगा कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि ये जो कंप्लीट ऑप्शंस हैं वो आपके साथ शेयर किए जा सके. जी. सो हमेशा सानू एक वधिया सुचज्जे इनफॉर्मेशन है ना, वो हमेशा इत्थे मिली असी जदों भी असी इनवाइट कीता शिवानी मैम थानू, हमेशा फिर चाहे कॉलेजेस की गल हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ की हो जाए, प्रोग्राम्स की हो जाए, जी जी कि ऑप्शन सानू सुनने मिलदिया भी नहीं है. मीनस वेरी रेयर कंसल्टेंट्स होंगे जी इन्नी बरीकी दे विच जाके इनफॉर्मेशन शेयर करते हैं जी सारे स्टूडेंट्स के सारे दर्शकों के. सो फिलहाल तुम उन्होंने इको जी कि जिन्होंने हमेशा ही साडे स्टूडेंट्स का साथ दिता है उन्होंने सही गाइडेंस दे विच. सो जान तो पहला कुछ खास इनफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट जिहड़े रह गई होवे स्टूडेंट्स दे वास्ते जाननी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू कविता. मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज करना चाहती हूँ कि आप विंडो शॉपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, रादर आप ये कोशिश कीजिए कि जो लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है उसको फाइंड आउट किया जाए और उसके थ्रू एक एक्सपर्ट असेसमेंट लेके अपना एप्लीकेशन डाला जाए. जब आप विंडो शॉपिंग करते हैं आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप अपना टाइम वेस्ट करें और वेट करें कि हम लोग थोड़ा रुक के एडमिशन प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कैनेडा के लिए सितंबर 2022 में भी हम लोगों को ऑप्शन नहीं मिल पाएगी. एंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, द कमिंग नियरेस्ट इनटेक इज मार्च. इसके अलावा आप जून जुलाई के लिए अपने एडमिशंस जो हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं. सो हाई स्विंग एप्लीकेशंस का टाइम है, जितना जल्दी हो सकता है आइए और अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करें. जी. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच. सो तुसी इन्हां दे नाल खन्ना ऑफिस दे विच भी मुलाकात कर सकते हो जी, हालांकि मोहाली दे विच भी ऑफिस है. सेम नंबर उत्ते कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी बिल्कुल नहीं भूलनी. सो नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो. सत श्री अकाल.